अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान, एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। आज चैत्र पौर्णिमा हनुमानाचा जन्मदिवस। दरवर्षी शहरांमध्ये हनुमंतांचा जन्मोत्सव मोठ्या भक्तिभावानं साजरा होतो, मात्र गेल्या 2 वर्षापासून संपूर्ण देशात वाढत्या कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे हनुमान जयंती ही सर्वच मंदिरांमध्ये अगदी साधेपणाने साजरी करण्यात आली। यामध्ये बळीमंदिराशेजारील हनुमानाच्या मंदिरात मोजक्या मध्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पूजा अर्चा करण्यात आली। हनुमान जयंती आहे, हनुमान जयंतीच्या सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। सालाबाद प्रमाणे बळी महाराज मित्रमंडळ, अमर मित्रमंडळ, सागरभाऊ सूर्यवंशी, सर्व अमर मित्रमंडळाचे सहकारी यांच्या माध्यमातून हनुमान जयंती साजरी केली जाते। परंतु यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याकारणाने एकदम साध्या पद्धतीने खंड न पडता सागरभाऊ सूर्यवंशी यांच्या माध्यमातून आज हनुमान जयंती इथं साजरी करण्यात आलेली आहे। आज बजरंगबलींच्या चरणी, बाप्पा हनुमानजींच्या चरणी एकच प्रार्थना करतो, या भारत देशावरती, या सर्व देशावरती, महाराष्ट्रावरती, नाशिक शहरावरती हे जे कोरोनाचं जे संकट आलेलं आहे, हे संकट बजरंगबलींनी जशी आपली गदा फिरून राक्षसांचा नायनाट केला, त्याच पद्धतीने आपली गदा फिरून आपल्या गदेचा चमत्कार दाखवून या संकटाचा कायमस्वरूपी नायनाट करावा अशी बजरंगबली हनुमान चरणी मी प्रार्थना करतो। त्याचप्रमाणे जुना आडगाव नाका परिसरातील पंचमुखी हनुमान मंदिरात मंदिराचे पुजारी आणि पदाधिकारी यांच्या हस्ते पूजा करण्यात येऊन प्रसादाचं वाटप देखील करण्यात आलं। कोरोनाच्या सावटामुळे भाविकांनी मंदिराबाहेरूनच हनुमंतरायाचं दर्शन घेतलं, तसंच हनुमंताला साकडे घातले। हे हनुमंतराया महाराष्ट्रावर तसेच नाशिक शहरावर आलेल्या कोरोना संकटापासून दूर कर अशी प्रार्थना देखील भाविकांकडून करण्यात आली। आज हनुमान जयंती उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामना देता हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ ये हमारे देश में, पूरा विश्व में जैसे कोरोना महामारी आज चल रहा है, उसको ध्यान रखते हुए हमारे जितने भी नासिक में हनुमान जी के मंदिर है, हम लोग बड़े छोटे से आकार में इसके आयोजन किए हैं। जो हनुमान जी की नित्यकर्म पूजा, अभिषेक, अर्चन, आरती, हनुमान हवन, ये सब हम लोग किए, लेकिन प्रसाद का ऐसे कोई व्यवस्था नहीं किए। और सबको हम लोग आह्वान नहीं किए कि आप आओ दर्शन करने के लिए। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, आप अपने घर में बैठिए, हनुमान चालीसा एक पाठ करिए, हनुमान जी को आप आराधन करिए कि कलयुग में हनुमान जी ऐसे प्रत्यक्ष देवता है कि सबसे सब रोग से निदान कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ, अपने घर में बैठिए, एक घी की दिया जलाइए और हनुमान चालीसा यथाशक्ति में पाठ करिए। ये जो कोरोना महामारी नाम के राक्षस है, इसमें जरूर दूर हो जाएगा। ऐसे हनुमान जी की तरफ मैं प्रार्थना करता हूँ और पूरा देशवासी के लिए, विश्व के लिए, पंचमुखी हनुमान मंदिर की भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जो महामारी आया जल्दी से दूर हो। गणेश देवाड़े सह अश्विनी पुरी, न्यूज़ नेट 27, पंचवटी।